अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 9 दिन बचे, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सज गई अयोध्या नगरी, साकेत महाविद्यालय में बनाया गया भगवान राम का शानदार पोर्ट्रेट। प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्री राम कर्मभूमि न्यास ने 14 लाख दीपों की बनाई श्री राम की अद्भुत कलाकृति। उकेरी गई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। कलाकृति में इस्तेमाल किए गए अलग अलग साइज के 14 लाख दीपक, 14 अलग अलग रंगों से सजावट। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक के लिए भेजा गया देवभूमि उत्तराखंड के 28 पवित्र नदियों का जल, कलश लेकर साधु संत रवाना हुए अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, दुल्हन की तरह सजाई गई अयोध्या। डीजल लाइटों से जगमग है अयोध्या के चौक चौराहे, खूबसूरत लाइटों ने बढ़ाई शहर की भव्यता। राम की नगरी में उमड़ी सैलानियों की भीड़, भगवान राम की प्रतिमा पर जबरदस्त लाइटिंग की गई। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भगवान राम के शिव पूजन और राम सेतु के निर्माण के दृश्यों को खूबसूरती से सजाया गया, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में देखी राम मंदिर की भव्यता, रात के अंधेरों में जगमगाती लाइटों ने समा बांधा। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी, स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। यूपी के मंदिरों में आज से बीजेपी चलाएगी स्वच्छता अभियान, जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता, योगी सरकार के सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी में बीजेपी करेगी विशेष अनुष्ठान, आज से चलाएगी विशेष अभियान। बीएचपी ने केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्यौता, सभी ने खुशी जताई। टीवी के राम अरुण गोविल ने अयोध्या के कार सेवकपुरम में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की, गोविल को मिला है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। आखिरकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, लेकिन 22 जनवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या। अखिलेश यादव ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को खत लेकर जताया निमंत्रण का आभार, कहा बाद में आकर करेंगे दर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, सोनिया राहुल की आलोचना की। वाराणसी में निषाद समाज का ऐलान, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुफ्त नौका यात्रा की देंगे सुविधा। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए चलाए जाएंगे पिंक ऑटो, रेलवे स्टेशन से मंदिर तक का सफर आसान होगा। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए गए खास ओपीडी, डॉक्टर और इलाज की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जमशेदपुर में निकाली गई राम दरबार की भव्य झांकी, 2000 से ज्यादा लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। गुरुग्राम में निकाली गई कलश यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बेंगलुरु में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की अनूठी रंगोली, राम मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम की झलक दिखी। श्री रामलीला के भोग के लिए कन्नौज से भेजी गई 51 किलो पारंपरिक मिठाई, गट्टा, शक्कर, देशी घी और मेवे से बनाई जाती है ये मिठाई। पूर्वोत्तर में दिख रहा रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह, त्रिपुरा के अगरतला में साधु संतों ने रैली को संबोधित किया। अगरतला में प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में निकली भव्य शोभा यात्रा, सीताराम लक्ष्मण के वेश में सजे दिखे बच्चे। हैदराबाद में सीताराम बाग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होगा उत्सव, बैठक में फैसला हुआ। श्री मंदिर परिक्रमा कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा जगन्नाथपुरी का भव्य नजारा, शानदार रोशनी से जगमग हुआ परिसर। परिक्रमा कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के लिए पुरी में उमड़ रही है श्रद्धालुओं का सैलाब, 17 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां। आज पोंगल मनाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर त्योहार के जश्न में होंगे शामिल। 16 और 17 जनवरी को केरल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोची में रोड शो और परियोजनाओं के उद्घाटन के अलावा गुरुवायूर में बीजेपी नेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में हो सकते हैं शामिल।
आज मणिपुर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर का सफर होगा। 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की यात्रा। बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ना मकसद। कांग्रेस का बयान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है विचारधारा की यात्रा, चुनावी यात्रा नहीं। कल 2 घंटे चली इंडी गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक में नीतीश का संयोजक बनने से इनकार, कहा कांग्रेस संभाले कमान। लालू का भी बढ़ाया नाम। मीटिंग में कई नेताओं के शामिल नहीं होने पर नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी, कहा मीटिंग में बड़े नेताओं का शामिल होना ठीक नहीं। पक्ष गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज कसा, कहा ये तो वर्चुअल अलायंस है, वर्चुअल मीटिंग ही करेगा, इससे ज्यादा ये लोग क्या कर सकते हैं। आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर डील फाइनल करने को लेकर खड़गे के घर केजरीवाल की बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, यूपी की 80 लोकसभाओं में 20 क्लस्टर में बांटा, हारी हुई सीटों के लिए बनाए 5 क्लस्टर, मंत्री और पार्टी के नेताओं को बनाया गया प्रभारी। बालासोर में रामलला की शोभा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मंदिर में पूजा अर्चना, सांसद प्रताप सारंगी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर में टी स्टॉल पर आम लोगों के साथ चाय पी, लोगों के साथ घुलते मिलते हुए नजर आए। हरियाणा के पानीपत में बेटियों की लोहड़ी कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जश्न मनाया। सांगानेर के हनुमान मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, जयपुर में लोहड़ी उत्सव में भी शामिल हुए, लोगों को दी त्योहार की बधाई। शहर शहर देखी लोहड़ी की धूम, राजस्थान के मंत्री संजय शर्मा ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। अमृतसर में परिवार के साथ लोगों ने लोहड़ी मनाई, बोनफायर के दौरान डांस के साथ आतिशबाजी की। चंडीगढ़ के बाजारों में देखी लोहड़ी पर्व की चमक, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। सिलीगुड़ी में श्री गुरु सिंह सभा में मनाई गई लोहड़ी, रोशनी से जगमग गुरुद्वारे में कीर्तन गायन का आयोजन। शिमला में लोहड़ी सेलिब्रेशन उत्सव के रंग में झूमते नजर आए हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। जम्मू में पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने मनाई लोहड़ी, लोगों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली में जगह जगह लोगों ने मनाई लोहड़ी, हर तरफ दिखे उत्सव की धूम। गाजियाबाद में भी जलाई गई लोहड़ी, लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद, नाच गाकर जश्न मनाया। पंजाब के अमृतसर में लोहड़ी के मौके पर पतंगबाजी करते दिखे लोग, पेच लड़ाने और पतंगे काटने की होड़ लगी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले में सुरक्षा चुस्त, एनडीआरएफ और सुरक्षा बल तैनात। गंगा सागर मेले पर सैकड़ों सीसीटीवी से रहेगी नजर, मेगा कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी कोहरे और ठंड का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। देर रात घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उड़ानों पर हुआ असर, विजिबिलिटी में गिरावट के कारण दिक्कत। कोहरे के कारण रेल सेवा पर भी असर, दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें लेट। दिल्ली आगरा हाईवे पर देर रात दिखा घना कोहरा, आवाजाही में मुश्किल। दिल्ली के आसपास के इलाकों में रात में ठंड बढ़ी, सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा। दिल्ली में जमा देने वाली सर्दी का सितम जारी, शनिवार को रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में पारा 3.4 डिग्री तक गिरा, धुंध के कारण आने वाली ट्रेन और विमानों पर भी असर। अयोध्या में भी घना कोहरा छाया, कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही। मेरठ में छाया शीतलहर और घने कोहरे का असर, घरों से निकलने के लिए घबरा रहे लोग। गुवाहाटी में दिखा शीतलहर और घने कोहरे का असर, शहर की तस्वीरें सामने आईं। एयरफोर्स के विमान से चंडीगढ़ से दिल्ली लाया गया दल, आर्मी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के जरिए एक शख्स की जान बचाने की पहल। ब्लड क्लॉट्स हटाने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, मेदांता अस्पताल में 62 साल के मरीज की सफल सर्जरी, अचानक कार्डियक अरेस्ट से होगा बचाव।
मुंबई गोवा नेशनल हाईवे 66 पर देश के पहले स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन, सड़कों को मजबूत और इको फ्रेंडली बनाने की पहल। उत्तराखंड में होगी अद्वितीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में राज्य के शहरों के खराब प्रदर्शन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई। साल भर के अंदर चकाचक होंगे उत्तराखंड के शहर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार की स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने की योजना।